current affairs most timely question answer. आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने सरकारी डीजल वाहन पर रोक लगा दी? तो इसका आंसर है बिहार सरकार। वर्तमान में बिहार में प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य स्तर पर जल जीवन हरियाली योजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की थल और वायु सेना की मार क्षमता बढ़ाने के लिए किसने प्रशांत मिसाइल को विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार गिरिराज किशोर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर है 83 वर्ष में। उनके उपन्यास है ढाई, घर और पहला गिरी मिटिया प्रसिद्ध उपन्यास है। उन्होंने 2007 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? एक भारत श्रेष्ठ भारत यह अभियान 18 दिनों तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चुनाव 2020 में किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करते हुए जीत दर्ज की है? तो आंसर है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है लाल रैम सियामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के विरुद्ध हैट्रिक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है नासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष टीम के किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का उभरता हुआ हॉकी खिलाड़ी चुना है? इसका आंसर है विवेक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए किस टीम ने बल्लेबाज जेम्स फॉस्टर को टीम की फील्डिंग कोच नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है कलकत्ता नाइट राइडर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नेस्ले और बजाज फिनसर्व को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? इसका आंसर है डीमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम से प्रदेश में 90,000 परिवारों के खातों में एक साथ 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हराकर किस खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियन 2020 का खिताब जीता है? आदित्य मेहता ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? तो केरल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP के 13वें माइग्रेटरी स्पीशीज
कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय नेता अभिनेता को बनाया गया है? रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने कितने साल की सजा सुनाई है? तो इसका उत्तर है 11 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हाल ही में किस देश ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। इसका उत्तर है अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया COVID-19। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 18 महीने में तैयार हो सकती है। इस वायरस से अब तक 1,000 से अधिक लोग सिर्फ चीन में ही मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो इसका नाम है बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? तो इसका आंसर है UNHCR, मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी। UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, द्वारा हाल ही में स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान का आरंभ किया है। इस अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा 12 महीने में 2 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्वयं को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि विश्व शरणार्थियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए हर वर्ष लगभग इतने किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।